इतिहास हमें हमेशा से कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। हम इतिहास को जितना अधिक पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसकी परत दर परत उतनी ही खुलती जाती है। इतिहास में कई अनगिनत रहस्य भी समाये होते हैं जिनसे हर कोई अनजान होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलंद हिंदुस्तान पे। मैं आपके साथ सीमा उपाध्याय। आज भी भारतीय इतिहास में कई ऐसी कहानियां मौजूद हैं जिनमें ढेरों राज छिपे हुए हैं, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार हमेशा से प्रयास करते आ रहे हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं भारतीय इतिहास की 10 ऐसी सबसे अद्भुत घटनाएं जिनमें न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को ललकारा था। विद्रोह के बाद नाना साहेब एक दिन अचानक गायब हो गए। किसी को भी आज तक ये नहीं पता कि आखिर उनके द्वारा लूटा हुआ खजाना कहाँ है। बताया तो ये भी जाता है कि खजाने के साथ वो नेपाल भाग में चले गए और अंग्रेजों के हाथ ही नहीं लगे। ब्रिटिश काल से लेकर आज तक नाना साहेब और उनका वो खजाना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। गुमनाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता रहस्यमय व अनेक असुलझे सवालों से भरी पड़ी है। जिन लोगों ने सभ्यता की शुरुआत की उनके बारे में आज तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुराने सिंधु चित्रमय लिपि को आज भी कोई नहीं समझ पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित असंख्य रहस्य हमेशा के लिए धरती में समा गए। इसीलिए भी इस सभ्यता को समझना काफी मुश्किल है। बिहार की सोन भंडार गुफाएं। बिहार की सोन भंडार गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं मगधन राजा बिंबसार के जमाने की है। ये गुफाएं एक बड़े पत्थर द्वारा बनाई गई हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि बिंबसार राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल किया करता था। जब बिंबसार को उसके पुत्र अजात शत्रु ने कारागार में डाल दिया, तब उसके आदेश से उसकी बीवी ने राज्य का खजाना इन्हीं गुफाओं में छिपाया था। इन गुफाओं में आज भी संखलिपि में लिखित शिलालेख मौजूद है। अंग्रेजों ने इस खजाने को हासिल करने के लिए दरवाजों पर तोप के गोले बरसाए थे, लेकिन आज भी उनको ये खजाना नहीं मिल पाया है। महान सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय रत्न। महान सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय रत्न आज भी इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माने जाते हैं। इतिहास के जानकारों का मानना है कि जब कलिंगा का युद्ध हुआ तो उसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई। उसके बाद सम्राट अशोक ने अपने 9 रहस्यमय रत्नों का एक गुट बनाया था। इन 9 लोगों में हर एक व्यक्ति के पास किसी एक विषय में ढेर सारा ज्ञान मौजूद था, जिसमें पर्यटन, विज्ञान और युद्ध शैली जैसे विषय शामिल थे। आज भी इन 9 रहस्यमय रत्नों के बारे में किसको पूरी जानकारी है, ये किसी को भी नहीं पता। मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के असफ जाह शासन के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान अपने गहनों व खजाने के संग्रह के लिए ही जाने जाते थे। सन 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया में सबसे अमीर शख्स का सम्मान दिया था। बताया जाता है कि उनके द्वारा संग्रहित किए गए गहनों और खजानों को उनके मृत्यु के बाद कोई भी नहीं ढूंढ पाया था, जबकि कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि सारा खजाना आज भी हैदराबाद के कोठी पैलेस में छुपा है, जहां निजाम रहा करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक रहस्य का विषय है। आज भी यह कोई नहीं जान पाया कि ताइपेई से टोक्यो जाने वाले विमान में उनके साथ आखिर हुआ क्या था। आज भी ये आजाद भारत का सबसे अनसुलझा प्रश्न है। कहा जाता है कि वो गायब होने के बाद भारत तो वापस आए थे, लेकिन इस बात के सबूत किसी के भी पास नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले साधु गुमनामी बाबा ही
सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये कहानी थी भारत में छुपे उन रहस्यों की, जिनके रहस्य से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। इसी के साथ मैं सीमा उपाध्याय आप सभी से विदा लेती हूँ, और भी ऐसी कई रहस्यमय जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलंद हिंदुस्तान।